मेरा नाम राकेश गुप्ता है, सिविल नागरिक सेवा समिति अध्यक्ष। क्योंकि हम लोग यहाँ पे दबौली मेन रोड पर सत्येश्वर शिव मंदिर पर निरंतर 16 वर्षों से सजीव झांकियों का श्रृंगार करा रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग हमारा लोगों का अपना मानना है पूरे कानपुर में कोई सजीव झांकियों का श्रृंगार नहीं होता है। निरंतर एक आध झांकी भले ही कोई कानपुर में होती हो, यहाँ 9 झांकियां लगी हुई है और 9 की 9 ही सजीव है, और ये क्षेत्रीय पंचों की झांकियां हैं। यहाँ कोई कलाकार नहीं है, काफी क्षेत्रों से यहाँ आ रही है दर्शन करने, इसके लिए आप कुछ करना चाहेंगे। हम जनता का बहुत बड़ा आभार प्रकट करते हैं कि हमारे 16 वर्षों से जनता ने पूरा सहयोग किया है, यहाँ के व्यापारियों ने सहयोग किया है, तभी हम लोग इतना बड़ा आयोजन यहाँ पे करा पा रहे हैं। लेकिन इस बार हमें ये खुशी हो रही है, मीडिया भी हमारे साथ पहली बार यहाँ पे आई है, और हमारा इतना बड़ा कार्यक्रम 16 वर्षों से हो रहा है, निरंतर शायद ही एक आध अखबार में हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम मीडिया का भी कार्यक्रम से ताबे और सम्मान करते हैं। आपकी समिति में तैयारी करने के लिए कितना समय लगता है, ये कैसे तैयारी करते हैं? तैयारी करने की समिति को कम से कम 1.5 महीने का समय लगता है। 1.5 महीने में हम लोग इसका प्रचार प्रसार एवं सारे कार्यक्रमों को कराने में 1.5 महीने का समय लगता है। हमारी समिति पूरे देश से इस कार्यक्रम को कराने में 1.5 महीने।